नमस्कार ज्वार जय हिंद। अभी आप लोग देख रहे हैं नंबर वन न्यूज। तो नंबर वन न्यूज में आप लोग का बहुत ही स्वागत है। तो चलिए खबरों की ओर। झारखंड राइज के गिरिडीह में 1 फरवरी बुधवार को झंडा मैदान से टावर चौक से होते हुए रितलाल वर्मा चौक तक रैली निकाली गई, जिनमें काफी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर रैली में शामिल हुए और रितलाल वर्मा चौक के पास वहां पर फूल अर्पण भी किया गया और रितलाल वर्मा चौक से फिर झंडा मैदान की ओर फिर चला गया और झंडा मैदान में फिर बैठक में भी 1000 की संख्या से अधिक ग्रामीण एकजुट होकर शांतिपूर्वक सुनने का काम किए। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। तो चलिए खबरों की ओर। मार्गदर्शक परम आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी का देकर स्वागत करेंगे। इंद्रलाल वर्मा जी धन्यवाद। इंद्रलाल वर्मा जी मंच को बहुत व्यवस्थित रहने में बहुत सा आग्रह करें। अपना घर का कार्यक्रम है अपने। देखिए आज का बजट नए भारत की सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतर हो उसके लिए ये बजट आया है और ये समावेशी बजट है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की हम बात करते हैं तो हर किसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट आया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व शक्ति बनाने के लिए ये बजट काम आएगा। आज हम बात करते हैं तो अगर इनकम टैक्स में देखें मध्यम वर्गीय, तो आज 7 लाख तक का उनको भी इनकम टैक्स में मिला है। तो निश्चित रूप से हर चाहे शिक्षा हो, चाहे रक्षा हो या फिर टेक्निकल, तो हर एक क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में समय में हर जनजन में उनका नाम तो रेलखंड के जो नाम बिल्कुल जो डिमांड किया है इसके बारे में आगे बात करेंगे।